दिल्ली के शालीमार बाग में एक स्टील व्यापारी से 42 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। व्यापारी की दुकान पर 13 अप्रैल की सुबह 11 बजे चार लोग आयकर विभाग के अधिकारी बनकर आए थे। ठग स्टील व्यापारी को वारंट दिखाकर अकाउंट्स और फाइलें जांचने लगे। ठगों ने व्यापारी पर कार्रवाई की धमकी दी, जिसके बाद व्यापारी ने कार्रवाई के डर से ठगों को 42 लाख रुपए दे दिए, जिसके बाद चारों ठग हरे रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी से चले गए। ठगों के जाने के बाद व्यापारी को उन लोगों के नकली आईटी अधिकारी होने का पता चला, जिसके बाद व्यापारी ने पुलिस में शिकायत की। अब दुकान में सीसीटीवी तस्वीरों की मदद से पुलिस ठगों की तलाश कर रही है।